नाउ थर्ड वन है अल्टरनेट करंट हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं ACHF। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानने के लिए अच्छा है। ये होता है अल्टरनेट करंट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ACHF का ये होता है फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मेन ये है, इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है जिसको हम कभी एनोड कभी कैथोड मानते हैं, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वो क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है। बस यही कारण है कि इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। क्यों होता है, उसका कारण है ये पावर सप्लाई। इससे पहले हम पावर सप्लाई कौन सा कर रहे थे, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब ACHF में क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई, अल्टरनेट करंट हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। और AC में हम जानते हैं AC का ग्राफ किस टाइप से होता है, AC का ग्राफ फ्लक्चुएट करता है, साइनी स्वेडल होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है, साइनी स्वेडल होता है। इसका मतलब है कभी ये इंक्रीज होगा तो कभी ये डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा तो कभी ये डिक्रीज होगा, मतलब कभी माइनस होगा तो कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा तो कभी प्लस होगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड कभी कैथोड होगा कभी एनोड होगा, कभी कैथोड होगा कभी एनोड होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रोड पे होगा वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होगा, वर्क पीस पे होगा। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे सेम होगा, अब हम किसी में कम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए हीट जनरेटेड बिटवीन वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड कितना होता है, 1:1 बिकॉज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन एट द वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड। अभी आपको बताया कि अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई के कारण, मतलब अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई के कारण क्या होता है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, उसके कारण जो एनोड और कैथोड पे जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं AC क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग करंट है, साइनसोइडल होता है, कैथोड और एनोड कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता रहता है, यही कारण है। ठीक है, देखिए अब आपको हम डिफरेंस बताते हैं वो तीनों में, किसमें किसमें, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी और अल्टरनेट करंट हाई फ्रीक्वेंसी। ये केस क्या है, जो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, उसमें आपको पता है कि इस केस में जो वर्क पीस होता है वो क्या होता है, वर्क पीस एनोड से कनेक्ट होता है। इससे पहले आपको हम बताए थे एनोड से कनेक्ट होता है, इसका मतलब 67% ऑफ हीट किस पे होगा, वर्क पीस पे होगा। ठीक है, 67% ऑफ हीट वर्क पीस पे होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इन ACHF प्रोसेस में क्या होता है, पहले समझ लीजिए अल्टरनेट करंट हाई फ्रिक्वेंसी क्या होता है, सब कुछ मीडियम होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी मीडियम चाहिए, मीडियम थिकनेस भी चाहिए, मीडियम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए, और सब कुछ इसमें मीडियम मीडियम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस में होता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में। क्यों, इसमें हीट होता है 67%। उसके बाद आता है ACHF में, अल्टरनेट करंट हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें तो इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो मात्र 1/3 ऑफ हीट होता है, बताए थे आपको, इसमें कितना होता है, 2/3 ऑफ हीट होता है, और इसमें कितना होगा, इक्वल, इक्वल मतलब Q/2 और Q/2, इससे तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट और है जिसे समझना बहुत जरूरी है, पावर सप्लाई यूनिट जैसे हम बताए थे कि एक अल्टरनेट पावर सप्लाई में कौन कौन सा हम सप्लाई किए, एक सप्लाई किए डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई, ACHF में क्या यूज कर रहे हैं, ACHF में यूज कर रहे हैं अल्टरनेट करंट पावर सप्लाई, और डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई में क्या हम दो दो इसमें दो दो यूज किए थे, क्योंकि तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ऐसे में था डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, जिसमें हम डायरेक्ट करंट का यूज किए थे, लेकिन अल्टरनेट करंट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या यूज किए, AC पावर सप्लाई किए। तो याद रखिए AC जो पावर सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, और DC सप्लाई कहाँ से होता है, वो जनरेटर से होता है। तो जनरेटर से हम DC सप्लाई करवाते हैं, और AC सप्लाई हम कहाँ से करवाते हैं, ट्रांसफॉर्मर से करवाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। नाउ कुछ बेसिक पार्ट हम आपको जो बताएंगे, जो
इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है, लेकिन हमें जानना जरूरी है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे म्यूचुअल इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन करके आप पढ़ेंगे जो ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, ये बहुत म्यूचुअल इंडक्शन, देखिए अभी अभी याद आया हमको म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं अभी आपको बताते हैं, दो क्वाइल होता है, एक होता है प्राइमरी क्वाइल, एक होता है सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल में क्या होता है, ये आपको हम एक साथ डिफाइन कराते हैं, पहले हम बता देते हैं सबका पैरामीटर्स क्या है। वी नोट क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज और एक्चुअल ईएमएफ, ईएमएफ क्या बोलते हैं इसको, बैक ईएमएफ बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आपको पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, हम आपको डिफाइन कराते हैं। लिखा हुआ है इफ इन प्राइमरी क्वाइल भी क्या है वोल्टेज, ये आप याद रखिएगा, भी क्या होता है वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये प्राइमरी क्वाइल भी वोल्टेज अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंक्रीज होगा, ड्यू टू जनरेशन ऑफ ईएमएफ सेकेंडरी क्वाइल में भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हैंस आईएस मतलब सेकेंडरी क्वाइल में जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप हम आपको समझाते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए क्या होता है, इसे मान लीजिए कि प्राइमरी क्वाइल में आप वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या होता है, करंट फ्लो होने से एक ईएमएफ जनरेट होगा। आप पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इतना तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो करंट का फ्लो होने से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। अब ईएमएफ इसमें अगर जनरेट होगा तो इस टाइप से जनरेट होगा तो इसका कुछ ईएमएफ आ जाएगा इसमें, ठीक है। आप सेकेंडरी क्वाइल में ईएमएफ आया, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी क्वाइल में वोल्टेज जनरेट हो गया, सेकेंडरी क्वाइल में वोल्टेज जनरेट हो गया, इसका क्या मतलब, करंट फ्लो होगा तो इसका क्या मतलब है। अब इसी में अगर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसी में हम लगा दिए इलेक्ट्रोड, यहाँ लगा दिए और यहाँ हम लगा दिए वर्क पीस, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रोड क्या हुआ, गर्म हीट होने लगा, हीट होगा तो ये मेल्ट होगा तो क्या करेगा, स्पार्क होगा तो वेल्ड हो जाएगा। सिंपल है, एक सिंपल थ्योरी है जिसे आप समझिएगा। आईएस क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, जिसे आप मैक्सिमम करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, ओम्स लॉ आपको याद होगा क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस का, इसका मतलब वी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आईएस, मतलब आउटपुट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, देखिए शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। एक नॉर्मल डेरिवेशन है, ठीक है, एक नॉर्मल डेरिवेशन है, सब देखिए, जैसे आपको बताए थे ये क्या है, प्राइमरी क्वाइल, ठीक है, और ये क्या है आपका, एक सेकेंडरी क्वाइल है। अभी आपको बताए थे कि प्राइमरी क्वाइल से सेकेंडरी क्वाइल में हीट जनरेट कैसे होता है, अभी आपको बताए थे, ठीक है, तो टाइम पास नहीं करते हैं। तो अगर हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लो जब लगाते हैं तो क्या आएगा, वी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी ड्रॉप, हमें ये सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक छोटा फॉर्मूला से मतलब है। ये आप पता किए होंगे, वी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर होगा, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो आर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगा, वी इक्वल टू ए प्लस बी एल, ठीक है, वी इक्वल टू ए प्लस बी एल, ये याद रखिएगा, ये आउटपुट सर्किट वोल्टेज है, वी इक्वल टू ए प्लस बी एल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ जो बन रहा है उससे डिफाइन करता है उस जगह पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो वी इक्वल टू ए प्लस बी एल, ठीक है। अब देखिए कुछ डेरिवेशन है वो हम करते हैं, ये वी है, ठीक है, तो वी इक्वल टू लिखे वी नॉट माइनस वी ड्रॉप, तो इसके कारण कुछ वी ड्रॉप आएगा, ठीक है, और इसके कारण आर्क वोल्टेज का यहाँ का वी नॉट, तो वी इक्वल टू वी नॉट माइनस वी ड्रॉप, ठीक है। अब वी इक्वल टू, अभी आपको हम बताए थे आर्क कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, वी इक्वल टू हो गया ए प्लस बी एल, वी नॉट रख दें, अब वी ड्रॉप क्या होता है, लिखे वी ड्रॉप को हम किए वी नॉट अपॉन आई एस इंटू आई, ये कहाँ से आया, ठीक है। देखिए वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, वी ड्रॉप
और आई और आर से पहले आपको हम निकाले थे कि आर इक्वल टू क्या होता है, वी नोट अपॉन आई एस, इसे पहले आपको निकाल के बताए थे, तो हम पुट कर दिए, ठीक है। और इसको हम पुट कर दिए, आप देखिए जैसे पुट किए तो ये हो गया आपका ए प्लस बी एल इक्वल टू वी नोट, कॉमन ले लिए, ठीक है। वी नोट हम यहां से क्या करिए, वी नोट और एक वी नोट है, यहां से वी नोट और कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा वन माइनस, ये वी नोट चल गया, ये बचेगा आई अपॉन आई एस, तो लिख दिए वन माइनस आई अपॉन आई एस, ठीक है। तो मेनली यहां से हम क्या निकालेंगे, ये जो आई का वैल्यू है वो निकालना है हमको, ठीक है, वो निकालना, क्यों, क्योंकि पावर का हमको जरूरत है। देखिए आई निकाल, आई इक्वल टू आई एस अपॉन वी नोट, वी नोट माइनस ए माइनस बी एल, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई का। पावर क्या होता है, पावर होता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई, यहाँ पढ़ेंगे पावर इक्वल क्या होता है वी आई, या तो आप पावर इक्वल वी आई कॉस थीटा ही बोला जाता है, ठीक है। तो वी हम जानते हैं ए प्लस बी एल है और आई क्या है, ये है, तो ये हम पुट कर दिए तो आ गया। आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालने बोलेगा, मैक्सिमम जहां पर चला मैक्सिमम निकालिए, तो उस इक्वेशन क्या कीजिएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा जिसके एक्रोस निकाला जा रहा हो और वो इक्वल टू हो जाएगा जीरो। जैसे इस केस में हमें लेंथ के एक्रोस बात करना है, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डीएल इक्वल टू जीरो। तो भी ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, हमेशा ये कुछ पॉइंट है, जो भी ऑप्टिमम हो जाएगा लेस देन भी वोल्टेज, और आई ऑप्टिमम लेस देन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करेंट का। एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल टू लिखा हुआ है, इसे आप देखिए, इसे मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग ए स्ट्रेट लाइन वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो आपको हम बताए थे, एक वोल्टेज वी और आई के बीच में हम ग्राफ बताए थे, जो होता है वी इक्वल टू ए प्लस बी एल, वही क्वेश्चन है। फॉर ए डीसी वेल्डिंग जनरेटर, क्या है, डीसी है वेल्डिंग जनरेटर, शॉर्ट सर्किट करेंट आई एस है जो 400 एम्पीयर दिया हुआ, और ओपन सर्किट वोल्टेज है जो 80 वोल्ट का है, ठीक है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम वोल्टेज, जो भी हम डिफाइन किए थे ऑप्टिमम वोल्टेज, एंड करेंट सेटिंग फॉर मैक्सिमम आर्क पावर, टेकिंग द आर्क कैपेसिटी 20 प्लस 40 एल, आर्क कैपेसिटी कितना लेना है, 20 प्लस 40 एल लेना है। आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, आप देखिए क्या क्या गिवन था, इसे आप समझिए, ठीक है। हमें आर्क करेक्टरिस्टिक लेंथ दिया हुआ है, आर्क करेक्टरिस्टिक लेंथ दिया हुआ था वो कितना था, वो दिया हुआ है जो होता है वी नोट वी इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस 40 एल, ये दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आई एस करेंट दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है 400 एम्पीयर दिया हुआ है, वी नोट ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है जो 80 वोल्ट का है, इतना मेरा गिवन है। फाइंड करना है, फाइंड पी मैक्सिमम, देखिए इससे पहले हम आपको अभी बताए थे, ठीक है, आर्क कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है, आर्क कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी एल, ठीक है। और एक और इक्वेशन हम सॉल्व करके लाए थे, ठीक है, वो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन आपका था वी पी इजक्वल टू वी नोट माइनस वी नोट अपॉन आई एस इंटू आई, ये इक्वेशन आपको याद होगा, इसमें से हम वी नोट जो कॉमन ले लिए थे, ठीक है, इसमें क्या किए थे, वी नोट कॉमन ले लिए थे, वन माइनस आई अपॉन आई एस किए थे, और ये वी पी क्या है, वही आर्क वोल्टेज है जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये आपको बताइए, 20 नहीं, ये आपने दिया हुआ है, ये वी नोट दिया हुआ है, वी नोट कितना दिया हुआ है 20 प्लस 40 एल, ये दिया हुआ है, तब बस पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 80 माइनस 80 अपॉन 400 इंटू आई, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो होगा आपका 20 प्लस 40 एल, ठीक है। यहाँ से आप करंट निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, करंट निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 400 अपॉन 80, ठीक है, 80 माइनस 20 माइनस 40 एल,
इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 400/80, सॉल्व कीजिए इसको, 60-40L। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर तो पावर P इक्वल टू होता है VI, तो V में कितना आया, 20+40L, ये पहले दिया हुआ है। अभी हम निकाले I, 40, 400/80, 60-40L। तो P मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करना होगा, DP/DL इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, DP/DL जीरो कर दो तो आपका L आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से L आ जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे। ठीक है, उसको L के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे एक स्टेप हम बताना है तो बता देते हैं। ठीक है, जैसे 20×400/60-40L, ठीक है, प्लस 40L को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से 800। ठीक है, 400 से 800, 60-40L, इसे आप डिफाइन फिर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद कर दीजिएगा आप DP/DL इक्वल टू जीरो, जो आपका लेंथ आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।